दोस्तों, अगर आप भी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको अपनी हाइट बढ़ाने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम HGH बोलते हैं, उसको बढ़ाना जरूरी है। और इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके पहले आप वो दोनों वीडियोस को देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करता क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये हार्मोन जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमारी हाइट अपने आप बढ़ने लगती है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के वीडियो में आपको 5 ऐसे फूड्स बताऊंगा जो आप खा के अपने शरीर का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ा सकते हैं और अपनी लंबाई को, अपनी हाइट को उसी हिसाब से बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले फूड पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं कोकोनट ऑयल। आप सभी लोगों ने कोकोनट ऑयल का नाम सुना होगा। जो लोग जिम जाते हैं या घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कोकोनट ऑयल खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH को बढ़ाता है, जिससे हमारा शरीर तो बनता ही बनता है, साथ में हमारी लंबाई भी बढ़ती है। तो अपने खाने में आप सभी लोग कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद आ जाते हैं अपने अगले फूड पे जिसको हम बोलते हैं रॉ चॉकलेट। रॉ चॉकलेट बोल सकते हैं या आप लोग डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं। आप सभी को मैंने अपने इससे पहले वीडियो में बताया है कि अगर आप अपनी बॉडी में HGH की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। उसमें मेरे पे कमेंट आया है उस वीडियो में कि भाई हमें अच्छी नींद नहीं आती है। तो अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आपका HGH लेवल नहीं बढ़ेगा और आपकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। तो अच्छे से सोने के लिए आप डार्क चॉकलेट या रॉ चॉकलेट को सोने से थोड़ी देर पहले आप थोड़ी सी चॉकलेट को खा सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और चॉकलेट खाने से हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक मैसेज जाता है और वो हमारा जो HGH है उसको प्रोड्यूस करने लगता है, जो हमारी हाइट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं अपने तीसरे फूड पे। लेकिन तीसरा फूड बताने से पहले मैं बता दूं कि डोपामाइन का कितना बड़ा रोल होता है HGH को बूस्ट करने में। आप सभी को पता होगा डोपामाइन एक हार्मोन है और ये जो हार्मोन है ये एक संदेश देता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करने के लिए, HGH को ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको अपने डोपामाइन को कैसे बूस्ट करना है, इसके लिए आपको खाने होंगे नट्स, उसके बाद बनाना और यहां पे डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। ये सारी चीज खाने से हमारे शरीर में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है कि भाई तुम्हें HGH बनाना है ताकि इस बंदे की हाइट बढ़ सके, इसके शरीर की ग्रोथ हो सके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अगले फूड की, चौथे फूड की, जिसको हम बोलते हैं रैसबेरीज। आप सभी को मैं बता दूं, रैसबेरीज खाने से हमारे जो HGH लेवल है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है और हमारी हाइट बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं अपने अगले फूड पे जिसको हम बोलते हैं एग्स। एग्स यानी अंडे। अंडे खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। तो अंडे खाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं अंडे खाने से। तो इसलिए अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो अंडा खाना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोग वेजिटेरियन है तो जितने अभी ऊपर मैंने फूड बताए सारे फूड वेजिटेरियन है तो वो आप लोग खा सकते हैं, अगर आप लोग अंडा नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फूड थे जो आपके लिए बहुत जरूरी है खाना अगर आप लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हाइट बढ़ाने के लिए मैंने पहले ही बताया बहुत सिंपल सा रूल, HGH लेवल का ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा हमारे वीडियो में, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो को, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।